हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज कॉल्ड द प्रहान राव। और आज मैं ढोकला बनाऊंगी। तो मैंने गैस ऑन कर रखी है, थोड़ा सा कढ़ाई में मैंने पानी डाल रखा है बॉईल होने के लिए और इसको ढक दिया। इसमें मैं अपना ढोकले का बैटर तैयार कर दी हूँ। तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें आज मेरे पास नहीं है, कढ़ी पत्ता नहीं है मेरे पास और मेरे पास दही नहीं है। तो फिर मैं ट्राई करती हूँ, अगर ढोकला डायरेक्ट बनता है तो देखते हैं कैसा बनता है। चलिए अभी मैं अपना बैटर तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने एक डब्बा लिया है, इस डब्बे में अब मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। ये मैंने इतना बेसन ऐड कर दिया है डब्बे में। ये जो बेसन है तकरीबन 1.5 कटोरी के आसपास का बेसन है, ठीक है। तो ये मैंने बेसन इसमें डाल दिया। अब इसमें मैं नमक ऐड करती हूँ। ये अंदाजे से मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, अंदाजे से किया मैंने। तो मेरे को इतना नमक चाहिए तो फिर मैंने इतना ऐड कर दिया इसमें। ये मैंने थोड़ी सी मिर्ची, इसमें मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया। और आपको ज़्यादा मिर्ची पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हो। मैं थोड़ी आधी चम्मच के आसपास मैंने मिर्ची और थोड़ी सी मैंने ये हल्दी ऐड कर दी है। इसमें कलर ऐड कर दिया, कलर ताकि कलर हमारे ढोकले में थोड़ा येलो अच्छा आए। ये अब मैंने एक आधा कटा हुआ नींबू ले लिया है। अब इसमें मैं स्क्वीज कर देती हूँ उस नींबू के रस को थोड़ा सा। और बाकी बचा हुआ जो नींबू है, तकरीबन मैं 2 नींबू ले रही हूँ। तो आधा नींबू मैंने इसमें स्क्वीज कर दिया और 1.5 नींबू के आसपास मैं बाद में जब इसका सिरप तैयार करूँगी तब उसमें ऐड करूँगी। अब कुछ नहीं, अब इसको हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पानी। इसको मिक्स करते हुए हल्का हल्का, ताकि हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो जाए। इसमें मैं थोड़ा और पानी ऐड करूँगी। ये मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें ना लम्स बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, इसलिए अच्छे से इसको मिक्सअप कर लो। इसको मैं अच्छे से मिक्सअप कर लेती हूँ ताकि लम्स ना बने। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया। और अब मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालती हूँ। ये बेकिंग सोडा है, थोड़ा सा, जस्ट लिटिल सा बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने, और ये 2 चुटकी भर मैंने बेकिंग सोडा इसमें ऐड किया। अब इसको बेकिंग सोडा मैंने ऐड कर दिया। अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब इस बैटर को हम ये इसकी कढ़ाई की जो प्लेट है वो मैंने उसमें थोड़ा सा मैंने घी लगाया हुआ है और इसकी ग्रीसिंग कर रखी है घी से। अब इसके ऊपर मैं अपना बैटर डाल देती हूँ। ये देखिए मैंने इस प्लेट के ऊपर अपना पूरा बैटर डाल दिया है। अब ये जो कढ़ाई है इसका ढक्कन मैं निकाल देती हूँ। ये ऑलरेडी पानी गर्म हो रखा है, प्री हीट कर रखा है मैंने। अब फ्लेम बिल्कुल लो कर देती हूँ, बिल्कुल एकदम लो। और अब इसमें मैं प्लेट रख देती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें प्लेट रख दी है। अब इसको मैं ढक देती हूँ प्लेट को, और इसको एटलीस्ट 10 मिनट तक के लिए इसको स्टीम होने देती हूँ। और उसके बाद चाकू से हम इसमें डाल के हल्का सा, अगर इस देख लेंगे, अगर ये पक गया, अगर वो बेसन स्टिक हो जाता है चाकू के ऊपर तो फिर वो थोड़ा और बेक करना पड़ेगा हमें। अदरवाइज हमारा नहीं होता तो हमारा ढोकला रेडी है। तो मैं इसका 10 मिनट तक वेट करती हूँ। ये दूसरी साइड इतने हमारा ये बेक, ये स्टीम होता है ढोकला, इतने मैंने ये कढ़ाई में अपना सिरप रेडी कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल डालूंगी, थोड़ा डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना, हल्का सा। बस
सरसों का तेल डाल के इसको पकने देती हूँ। और बस राई नहीं है वैसे तो, इसमें राई डालते सॉरी मेरे पास राई है आज, मेरे पास सरसों नहीं है वैसे, इसमें मस्टर्ड सीड्स ऐड करते हैं। और चलो देखते हैं, जुगाड़ू वाला ढोकला रेडी करेंगे आज हम, ट्राई करते हैं। आज मेरे पास कड़ी पत्ते भी नहीं है और मिर्ची भी देख लीजिए मेरे पास रेड कलर की है, ग्रीन मिर्ची भी नहीं है मेरे पास आज। चलिए देखते हैं, इसको गर्म होने देते हैं घी को और फिर उसमें ये मैं अपनी ये राई जो है वो ऐड कर दूंगी। तेल मेरा गरम हो गया, आप इसमें मैंने राई ऐड कर दी। अब इसमें मैं मिर्ची भी ऐड कर दूंगा, इसको थोड़ा पक गया। अभी मिर्ची हमारी पक गई है, अब इसमें मैं आपको पानी डाल देती हूँ। अब इसमें मैं तकरीबन तकरीबन ये अंदाजे से एक मुट्ठी और ये आधी मुट्ठी मैंने चीनी डाल दी है ताकि हमारे ये सिरप रेडी हो जाए। इसमें थोड़ा और पानी डालना पड़ेगा जी, मैंने इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर दिया। ठीक, अब हम इसमें लेमन स्क्वीज का जो जूस है वो स्क्वीज करके ऐड कर देंगे, इसको थोड़ा पकने देते हैं एक मिनट के लिए, उसके बाद हम करेंगे। तो ये हमारा शुगर का सिरप जो है वो पक गया, अब मैंने ये लेमन का जूस स्क्वीज करके इसमें ऐड कर दिया और इसको मैं थोड़ा बंद कर देती हूँ फ्लेम को। अब इसको थोड़ा पकने देते हैं, इसको थोड़ा बंद करके इसी की हीट में पकने देती हूँ। अब ये हमारा ढोकला हमने चाकू से कट कर लिया है ना, और चाकू से कट करके मैं प्लेट में कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारा ढोकला बन के रेडी हो गया है, ये बहुत ही सॉफ्ट है, स्पॉन्जी बना है। और ये मैंने अपना ढोकला प्लेट्स में ट्रांसफर कर लिया, अब इसमें वो जो सिरप मैंने रेडी किया है वो ऐड कर देती हूँ। ये सिरप है ये मैं इसके ऊपर पोर कर देती हूँ।
तो ये मैंने पूरा जो सिरप था वो इसमें पोर कर दिया है। और ये देखिए हमारे ढोकले, ये देखिए ये बन के रेडी हो गए। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी बने हैं। तो अगर तो मजे आ आपको, गए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने घर पे बनाइए इस तरह से ढोकले। क्योंकि इसमें एक वो कर्ड भी ऐड करते हैं, तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। कर्ड आज मेरे पास नहीं था, मैंने बताया ना आज मेरे पास बहुत सारी चीजें नहीं थी। कड़ी पत्ता भी ऐड होता है तड़के में, जो हम सिरप डालते हैं उसमें, और हरी मिर्ची होती है, और कर्ड भी ऐड करते हैं। बट मेरे पास कर्ड भी नहीं था, कड़ी पत्ते भी नहीं थे, और राई भी नहीं, वो मेरे पास ये मस्टर्ड सीड्स भी नहीं थी, तो मैंने राई ऐड की है। तो आप भी प्लीज आप बनाइए अपने घर पे, और फिर कमेंट करके शेयर कीजिए मेरे साथ कैसा बनाया और आपको कैसा लगा। और अगर आपको पसंद आया, अगर आपको अच्छा लगा, तो प्लीज 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 डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज कॉल्ड द प्रहान राव। थैंक यू।